कोहली ने कर दिया ऐलान, आईपीएल 17 में मचाएंगे कोहराम, T20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, टीम इंडिया को भी जरूर जिताएंगे। जी हां, विराट कोहली जो कि क्रिकेट के पिच से इन दिनों दूर चल रहे थे, उन्होंने आईपीएल सीजन 17 में अपनी वापसी के साथ ही एक बड़ा ऐलान कर दिया और साथ ही साथ उन तमाम अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है, बाकायदा बयान जारी कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि विराट कोहली को टीम इंडिया से आगामी T20 वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया जा सकता है। दरअसल विराट कोहली ने ऐसी हवाओं को, या ये कहें ऐसी तमाम अफवाहों को सच्चाई दिखा दी है जिसमें उनकी फिटनेस और क्रिकेट से उनके जारी ब्रेक को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। सीधा सीधा विराट कोहली ने सिलेक्शन कमेटी को भी आईना दिखा दिया है और आईपीएल के अगले सीजन में अपने बल्ले से आने वाले कोहराम की अभी से चेतावनी दे डाली है। तो आखिर कैसे तोड़ी है विराट कोहली ने यह चुप्पी और विराट की कैसी है आईपीएल सीजन 17 के लिए तैयारी, चले अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल क्रिकेट के पिच पर लौटते ही विराट कोहली ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आईपीएल सीजन 17 और T20 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर विराट कोहली ने पहली प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि आईपीएल के अगले सीजन से ही आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का चयन होगा और वर्ल्ड कप की टीम के चयन के लिए विराट कोहली की फॉर्म पर भी सभी की निगाहें हैं। आईपीएल 17 में खेलने के लिए विराट कोहली पूरी तरह से तैयार हैं और इसे लेकर ही विराट कोहली ने अब चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा है कि मैदान पर आने के बाद वो बेहद खुश और उत्साहित है। विराट कोहली ने कहा है, वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे पहले क्रिकेट खेलना और आईपीएल की शुरुआत करना। आईपीएल सीजन की शुरुआत के लिए बैंगलोर वापस आना हमेशा रोमांचक होता है, समान भाव समान भावनाएं, और हाँ मैं मीडिया रडार से दूर नहीं हूँ, आप कह सकते हैं कि मैं 2 महीने से सामान्य स्थिति में हूँ, मुझे उम्मीद है कि सभी प्रशंसक भी उत्साहित और खुश होंगे। सीधे सीधे कहा जाए तो विराट कोहली ने अपने आप को पूरी तरह से फिट और आईपीएल सीजन 17 के साथ आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए भी तैयार बताया है और विराट कोहली का ये बयान उन तमाम अटकलों पर विराम लगाता है जहां पर उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए जा रहे थे। गौरतलब है कि विराट कोहली ने अपने पेटर्निटी ब्रेक पर जाने से पहले आखिरी बार टीम इंडिया के लिए कोई भी क्रिकेट मैच जनवरी 2024 में खेला था, जब विराट अफगानिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे। उस सीरीज में विराट कोहली का जो प्रदर्शन था वो एक औसत प्रदर्शन रहा था, लेकिन विराट के मौजूदा ब्रेक को देखते हुए आगामी T20 वर्ल्ड कप की टीम से उन्हें ड्रॉप किए जाने को लेकर खबरें सामने आ रही थी। आपको बता दें कि सोमवार को ही विराट कोहली बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ट्रेनिंग और कंडीशनिंग कैंप में टीम के साथ जुड़े हैं। वहीं रविवार को वुमेन्स प्रीमियर लीग में जब आरसीबी की वुमेन्स टीम चैंपियन बनी थी तो विराट कोहली ने वुमेन्स टीम के साथ में भी जीत का जश्न मनाया था और विराट कोहली ने महिला टीम की कप्तान स्मृति मंदाना को भी आगामी आईपीएल में अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए वादा तक कर दिया था। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 1 जून से खेला जाना है और इस T20 वर्ल्ड कप से पहले विराट का खुद को तरोताजा बताना, पूरी तरह से तैयार बताना, कहीं ना कहीं आने वाले तूफान की विराट की तरफ से एक चेतावनी कहा जा सकता है, क्योंकि विराट अब ना सिर्फ तरोताजा है बल्कि साथ ही साथ अपने आलोचकों को भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। विराट ने सीधे सीधे कह दिया है कि अब उनके बल्ले से ऐसा कोहराम आएगा कि T20 वर्ल्ड कप में भी सिलेक्शन के लिए सिलेक्टर्स खुद ब खुद उन्हें टीम में चयन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद की जा सकती है कि दूसरी बार पिता बने विराट कोहली की पर्सनल लाइफ में जिस तरह से खुशियां आई हैं, टीम इंडिया के लिए भी विराट के बल्ले से आगामी T20 वर्ल्ड कप में वैसी ही खुशियां देखने को मिलेंगी। आईपीएल का सीजन 17 भी विराट कोहली के लिए यादगार और शानदार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।